Pia. मिस्टर वालिया से मिलकर आ रही हो ना? क्या बात है? पुष्कर, शादी का ये फैसला लेके मैं फंस गई हूँ। अनचाही शादी में मेरी मनचाही जिंदगी का दम घुट रहा है। मुझे चाहते हुए भी तुम किसी और का होते हुए कैसे देख सकते हो? पुष्कर, इस शादी से छुटकारा पाने का एक रास्ता है मेरे पास। हम यहाँ से भाग चलते हैं। भाग चले? तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुष्कर, मेरी बात सुन के अब ये मत कहना कि हम मिस्टर वालिया के पास चलेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है पुष्कर, किसी को समझाने का कोई वक्त नहीं बचा है। जो फैसला सबकी जिंदगी को बर्बाद करते उससे बचने का एक रास्ता है मेरे पास। किस रास्ते की बात कर रही हो तुम? मैंने सब कुछ सोच लिया है, तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना है। पुष्कर, हम यहाँ से भाग चलेंगे। एक साथ नहीं, अलग अलग भागेंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो। तुम पहले दिल्ली जाना, उसके बाद मैं वहां आऊंगी। एयरलाइन टिकट्स, होटल बुकिंग्स, सब कुछ मैं करूंगी। तुम समझ रहे हो ना? मुझे भागकर कहीं नहीं जाना है। ये तुम क्या कह रहे हो पुष्कर? अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी, खुशी, प्यार, सब कुछ अधूरा रह जाएगा पुष्कर। कुछ अधूरा नहीं रहेगा। भागना नहीं है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। पुष्कर, पिया के दिल में क्या चल रहा है? वो क्या करने वाली है? अब तो बानी भी पिया की शादी के लिए राजी हो गई है। मैं बानी को कैसे बताऊं कि पिया इस शादी से खुश नहीं है? मैं अपनी खुशियों के लिए बानी को मुसीबत में कैसे डाल दूं? मैं क्या करूं? पुष्कर, आ बानी। पुष्कर, तुमसे एक काम था। एक्चुअली कल से पिया की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे ऑफिस का काम तुम संभाल लेना। हेलो। हाँ माँ। माँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, कुछ काम है यहाँ। आप मेरा इंतजार मत करना, बाय। तुम्हारे पास तो दूसरा फोन था ना? हाँ, वो मेरा सेल कहीं खो गया है, नहीं खरीदी है। लेकिन पुष्कर, उस फोन में तो तुमने रणवीर के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड किया था ना? बानी को मैंने फंसाया है। अगर मैंने तुम्हारे करतूतों का फांडा फोड़ दिया तो तुम्हारा क्या होगा?
डैम इट, मेरे दिमाग से ये बात निकल कैसे गई? अगर रणवीर को इस बारे में पता चल गया कि जिस सेल से मैंने उसका सबूत रिकॉर्ड किया था और वो मेरे पास नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है पुष्कर, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें घर जाना है ना, तुम जाओ। तुम्हें पिया की शादी की तैयारियां करनी है। अगर रणवीर को इस बारे में पता चल जाएगा तो वो मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। ये वेटर रणवीर के कैबिन में क्या कर रहा था? कहीं इसने रणवीर को बता तो नहीं दिया कि वो सबूत अब हमारे पास नहीं है? पास जा रहा है, आप जल्दी से बैंक्वेट हॉल में आ जाइए। मैंने वहां सबको बुलाया है। मैं वहां सबके बीच एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जिसका वास्ता आपकी शादी और ऐसे मौके पर आपका होना बहुत जरूरी। लेकिन तुम बैंक्वेट हॉल में क्या अनाउंस करने जा रहे हो? सरप्राइज है अंकल, और इस सरप्राइज को सबके सामने लाने के लिए आपकी शादी तक इंतजार नहीं किया जा सकता। क्या रणवीर सबके सामने प्रिया और पुष्कर के बारे में बताने वाला है? पुष्कर, पुष्कर कहाँ चला गया? अगर रणवीर ने जयसर को कुछ भी बता दिया तो क्या होगा? रणवीर ऐसा नहीं कर सकता, मुझे रणवीर को रोकना होगा। मैं आप दोनों को ही ढूंढ रहा हूँ। क्यों, हम कहीं खो गए थे क्या? कमाल है, इस दुनिया में कुछ लोग अपने अलावा सबको ढूंढते रहते। अब जो कहना है जल्दी कहो, हमें कहीं जाना है। मैंने बैंक्वेट हॉल में सबको इनवाइट किया, जय अंकल भी वहाँ पहुँच रहे हैं। आप दोनों भी वहाँ जल्दी पहुँच जाइए, मैं वहाँ सबके बीच एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ, और आप लोगों के बिना सरप्राइज का मजा ही निकल जाएगा। अब ऐसा कौन सा सरप्राइज दे रहे हो? पुष्कर, तुम्हारे अंदर धीरज की बहुत कमी है। तुम्हारा ये उतावलापन एक ना एक दिन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए सब्र करना सीखो, काम आएगा। वहां सब लोग पहुंच गए होंगे, चलता हूं। अंकल भी अपने कैबिन में नहीं है। हाँ मानी,
क्या बात है? वानी तुम इतनी घबराई हुई क्यों? चेहरे से रंग उड़ गया अंकल। आप अभी तक यहीं? क्या बात? वानी तुम अंकल को कुछ बताना चाहती हो? देखो मुझे अंकल को कुछ दिखाना है, इसलिए तुम्हें जो भी कहना है थोड़ा जल्दी कहो। बोलो बानी, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोलो बानी, यहां और कोई नहीं है। चलिए अंकल, आपको सरप्राइज देने का वक्त आ गया। क्या हो रहा है? ये ओह माय गॉड, तुम कब आए और ये सब क्या है? अगर आप अपनी शादी पर बुलाना भूल गए, इसका ये थोड़ी मतलब कि मैं आपकी शादी पर आना भूल जाऊंगा। द ब्यूटीफुल बानी, कैसी हैं आप? I'm fine. पिया की शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। जय, तुम्हें एक बात शायद पता नहीं, ये सरप्राइज तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज की है मोहन ने। So you're the girlfriend. That's right. और जय, ये सरप्राइज दो पार्ट में था। पहला पार्ट तो तुमने देख लिया, एंड द सेकंड पार्ट इज दिस। दिस इज अ स्ट्रिक्टली बैचलर्स पार्टी। Am I right? क्या आपने सुना नहीं, ये एक बैचलर्स पार्टी। मिस बानी दीक्षित, मैं आपको बता दूं कि पार्टी के बाद जय अंकल मेरे साथ रहेंगे और आज मैं उन्हें कुछ दिखाने जा रहा हूं जो तुम पहले भी देख चुकी हो। मत करो बानी, रणवीर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। यार मोहन, मैं बहुत खुश हूं कि तुम आ गए, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत? मैन जय, हम बैचलर्स में से एक आजाद पंछी जोरू का गुलाम होने वाला है, और फिर पूछते हो इसकी क्या जरूरत थी? आजादी की आखिरी शाम एंजॉय कर लो, इसके बाद पता नहीं शादी के बाद मौका मिले नहीं मिले। सो लेट्स जस्ट पार्टी। तुम्हारे जैसे मैं अपने डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेता हूँ। मैं अपनी इस गुलामी को बहुत खुशी से एक्सेप्ट करूँ, अपने इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी यार। शादी से पहले हर मर्द यही बोलता है, आई एम वेरी हैप्पी, और शादी के बाद बोलती बंद हो जाती है। मैं तो तीन बार खुश हो चुका हूँ। नहीं यार, बड़ा I'm serious। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, finally मुझे वैसी लड़की मिली जैसी मुझे चाहिए थी। पिया बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते। तुम देखना, I'm gonna prove you wrong, ये शादी टिकेगी। अब भाई हमारे भी कुछ ऐसे ही विचार थे, लेकिन शादी से पहले। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारी शादी के साथ हम सब की शुभकामनाएं। Cheers to that. No, cheers to that. Cheers. इस माहौल को दूर खड़े रहकर क्यों देख रहे हो?
इसमें शामिल होकर इसे एंजॉय करो। कमान बीएस कोच। अरे पुष्कर तैयार हो जाओ, मेरे पास तुम्हारी बारी। आखिर पिया और मैं दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर। ये कैसा प्यार है तुम्हारा पुष्कर? मुझे चाहते हुए भी तुम किसी और का होते हुए कैसे देख सकते हो? पुष्कर, इस शादी से छुटकारा पाने का एक रास्ता है मेरे पास। हम यहाँ से भाग चलते हैं।